क्या हारमोनियम झाला टेक्निक्स का रियाज गाने में कर सकते हैं? जो जो मैंने झाला टेक्निक्स बताई हैं हारमोनियम पर इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं, क्या उनको गायकी में रियाज कर सकते हैं? और अगर करते हैं रियाज तो क्या बेनिफिट होगा? आइए उस टॉपिक पर हम पूरा जानते हैं, पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या हारमोनियम झाले की टेक्निक्स को, यानी इंस्ट्रूमेंटल के जो कुछ टेक्निक्स हैं हाथ में स्पीड बढ़ाने की, क्या उसको गायकी में रियाज करना ठीक होगा या नहीं, पूरा वीडियो देखिए। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। आपकी पसंद का कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी राग या कोई भी थाट या कोई भी स्केल आप चुन सकते हैं इस एप्लीकेशन में और सीख सकते हैं और रियाज कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी पसंद का गाना है उसका YouTube से लिंक कॉपी कीजिए और इस ऐप में पेस्ट कीजिए, उस गाने को भी आप सीख सकते हैं और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स द्वारा सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौर जिंदगी ही नहीं, यानी जिंदगी जीने का मेरा ये तौर, ये मेरा तरीका है ही नहीं। जॉन एलिया साहब की बहुत ही खूबसूरत गज़ल, आप पढ़िएगा ज़रूर इसे, जल्द आपको मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर सुनने को मिलेगी, मेरी ही कंपोजिशन थी। तो आइए अब मैं हम बात करने जा रहा हूँ मैं उसी टॉपिक पर जिसका मैंने आपको थोड़ा सा अभी ब्रीफ दिया, कि हारमोनियम झाले की टेक्निक्स को क्या हम गायकी में रियाज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको हारमोनियम झाले की कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि जैसे ये एक टेक्निक है, है ना, ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ऐसा, ये सारी मैं टेक्निक्स वैसे भी बता चुका हूं, और एक है ना ये टेक्निक्स। अब ये तो हो गई हारमोनियम टेक्निक्स, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं इस पर, जिसका थोड़ा टाइटल मैंने क्लिक बेट के हिसाब से रखा था, कि क्योंकि यही सवाल आया था, मेरी क्या गलती, लोग यही जानना चाहते हैं, तो मैंने इसी सवाल के साथ अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसी सरगमें कैसे गाएं, ये उस वीडियो का टाइटल है, है ना। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा कैसा आप टाइटल बना रहे हो, नुसरत साहब जैसा तो आप कभी नहीं गा सकते। अनडाउटेडली ये मतलब मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूँ कि मैं नुसरत जी जैसा गा सकता हूँ, कोई नहीं गा सकता उनके जैसा, वो अपने आप में एक अलग शख्सियत थे, वो एक यूनिक पर्सन है, है ना, और मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, मैं एक अलग पर्सन हूँ, तो मैं अपनी गायकी लेके चलूँगा, उन्होंने अपनी गायकी के साथ जग जीता है पूरा, है ना। तो मैंने बस एक, क्योंकि आप लोगों का वो सवाल था तो उससे रिलेटेड ही मैंने वो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी कि कुछ वो चीज़ें जो करते हैं उनका जो सरगमों का स्टाइल है वो थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल है, तो जब वो उस उन स्टाइल की सरगमों को गा सकते हैं और उस चीज़ की गायकी उन्होंने करी है, हम उन सरगमों का रियाज ज़रूर कर सकते हैं। मगर मैं ये फिर भी यही कहूँगा कि राग की जो उपज है, उसकी जो बढ़त है, उसका जो विस्तार है, उसमें अगर आप उन गायकियों उस स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर आपकी गायकी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल लगेगी, वो जो अंग जिसको कहते हैं ना कि गायकी अंग, वाद्य यंत्र अंग, है ना, जो वो अंग जो आता है किसी यंत्र का अंग आता है, जैसे ये हारमोनियम अंग आ रहा है, ये सितार अंग आ रहा है, ये वायलिन अंग आ रहा है ना, जो स्टाइल है वो आपकी नहीं आनी चाहिए उसमें गायकी में, है ना। लेकिन हाँ, उन टेक्निक्स का रियाज आप बखूबी से कर सकते हैं, उससे गले में अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी, मुर्की हरकतें ये डेवलप होंगी, लेकिन बस ये ख्याल रखना है, देखिए रियाज आप कितना कोई सा भी करें लेकिन उसको किस तरह से आपको प्रोजेक्ट करना है वो आपके ऊपर होता है। गायकी में उसका अगर आप एज इट इज उतार रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसे तो हम अलंकारों का रियाज करते हैं लेकिन गायकी में अलंकार थोड़ी गाते हैं हम। अगर कोई राग का ख्याल गाया और उसमें अगर कोई आलाप तान लेनी है तो उसमें ऐसा थोड़ी सारे गामा पद नहीं सा गाने लग जाएंगे या सारे सागर रेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ का रियाज किया जाता है उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है वो आपके ऊपर है, मोल्ड करना है उसे, लेकिन हाँ वो रियाज आपको वही, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अभी अभी आया है। सब्जियाँ बहुत सारी होती हैं,
हम सब सब्जी खरीदते हैं, हम सब आलू खरीदते हैं, हम सब प्याज खरीदते हैं, हम सब टमाटर खरीदते हैं। वही आलू आप खरीद रहे हैं, वही आलू मैं खरीद रहा हूँ। आप उस आलू का क्या करते हैं और मैं उस आलू का क्या करता हूँ, उसमें फ़र्क है। मैं उस आलू की कोई दूसरी सब्जी बना लूँगा, आप उस आलू की कोई दूसरी सब्जी बनाओगे, है ना। और टेस्ट अलग होगा, दिखने में अलग लगेगी, और उसका जो असर है हेल्थ पर वो असर होगा, अलग होगा। तो ये चीज़ है, मैटर वही है, उसको किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, किस तरह से मैं प्रेजेंट करता हूँ। हम अगर आलू खिलाना होता है किसी को तो एज इट इज़ कच्चा कच्चा आलू नहीं उसके मुंह में ठूंस देते हैं कि लो भाई आलू से फ़ायदा होता है ऐसे खाओ, ऐसे नहीं होता है, है ना। उसी तरह से जब अलंकार हैं या अलग अलग जो टेक्निक्स हैं रियाज की, जो चीज़ें हैं, पलटे हैं, उनको एज इट इज़ नहीं परोसना होता है। जब आप किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको सजा कर, थोड़ा सा उसको तोड़ कर, मोड़ कर, फिर आप प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो ये आपको ख्याल रखना होगा। मैं टेक्निक्स जो भी बताता हूँ वो तो आपको याद करनी ही है, लेकिन उनको आपको प्रोजेक्ट वैसे नहीं करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपका अलग रहेगा। जैसे कि नीजा जाजा नीजा जाजा नीजा जाजा नीजा जाजा, इन हारमोनियम टेक्निक्स को रियाज करने से एक बेनिफिट ये होगा, सरगम जो है जबान पे चढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि ये थोड़ी टिपिकल होती हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल अंग की हैं तो थोड़ी स्पीड भी होती है, तो बोलने में आसानी होगी। अब आपने सुना होगा वो नुसरत साहब ऐसे ही सरगमें लेते हैं, निजा सा निजा सा निजा सा निजा निजा सा धनी ने धनी धनी ने धनी धनी धनी, है ना। अब इसका रियाज करने से क्या है, जबान पे स्वर चढ़ रहे हैं, निजा सा नी रे 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 नी गा गा नी मा मा नी पा 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 नी धा धा नी ने 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 नी सा सा, है ना। तो इससे आपका वो भी रियाज हो रहा है, अलग अलग सब तक जा रहा है, सा नी सा सा धसा सा सा फसा सा सा मसा सा सा गसा सा सा रेसा सा सा ससा सा 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 सा, डायरेक्ट ये जो कूदने का रियाज हो रहा है ना, सा नी सा सा नी सा सा नी सा नी सा सा नी सा 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 नी रे 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 नी रे नी रे रे नी रे नी रे 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 रे, ये छंदों का रियाज हो रहा है, सा नी सा सा नी सा सा नी सा 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 नी सा सा नी सा सा रे नी रे रे, है ना, रे सा रे 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 सा रे 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 सा रे रे सा रे रे सा रे रे। अब ये क्योंकि टंग ट्विस्टर है, अभी आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ तो भी जबान थोड़ी लड़खड़ा रही, जब आप गाएंगे तो इसको कितना टिपिकल रहता है, लेकिन जब इसका रियाज कर लेंगे अच्छे से, इसको उतार लेंगे अंदर, तो आपकी जबान पे चढ़ जाएगी सरगम, गमा ममा गमा गमा मा गमा गमा मा गमा गपा पपा गपा गपा पा गपा गपा पा गपा गमा गपा मापा गमा गमा गपा मापा गमा गपा मापा गमा गमा गधा बधा गधा बधा गने ने धने ने धने धने ने धने धने गपा पपा गपा गपा पा गपा पा गपा गपा गधा धा गधा 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 गधा। लेकिन जाहिर बात है इन सब का रियाज कीजिए, लेकिन सरगमों में उतारिए मत इनको अपनी बंदिशों की, है ना। जैसे मैं गा रहा हूं कोई बंदिश, भैरव जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन निजा जा जा रे 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 गा 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 मा मा मा, ये उसकी उपज नहीं होगी, ये उसका विस्तार नहीं होगा। विस्तार जो है राग के अनुसार होगा, उसके चलन, उसकी स्वर संगतियों के अनुसार होगा। उसमें ये टेक्निक्स एज इट इज नहीं उतार सकते आप, ऐसा नहीं कि जागो मोहन सारे गमा रे गमा वा गमा पादा पामा गरे सा जागो मोहन, ये तरीका नहीं होता। ये बड़ी ही बच्चों की गायकी लगती है, ऐसा अलंकारिक जो गायकी जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। गायकी आपकी अलग अलग दिखनी चाहिए। अलंकार सब रियाज करते हैं, वही आप भी उतार लोगे, कोई और भी उतार लेगा, तो आप दोनों की गायकी सेम हो गई, फिर क्या फ़ायदा हुआ। आपको अगर यूनिकनेस लानी है तो उसमें थोड़ा सा उपज लानी होगी, थोड़ी क्रिएटिविटी लानी होगी, चलन लाना होगा, खूबसूरती लानी होगी, है ना। तो बस ये चीज़ें, हाँ उनका रियाज आप कर सकते हो, जो टेक्निक्स मैंने आपको अभी अभी बताई उन सब का रियाज कर सकते हो। जैसे ये मैं नीजा जाजा नीजा जाजा नीजा जाजा नीजा जाजा, इसका अगर आकार में करते हो तो वो खटके बैठ रहे हैं गले में, है ना, ऐसे बैठ जाएंगे। का रियाज इतना भी ज़्यादा नहीं करना है जिससे कि ये गले में एक कंपन पैदा कर दें, कंपन नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल्ड वे में आपके साथ आना चाहिए। तो हाँ, उन टेक्निक्स का रियाज कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए। हर टेक्निक का रियाज आपको लिमिट करना है। कोई भी अगर टेक्निक का रियाज ज़्यादा कर लोगे तो गला वैसा बन जाएगा। जैसे बल के जो अलंकार मैंने आपको बताए थे, गरे सामा गरे पावा गा धा पावा नी धा पा सा नी धा धा नी सा पा धा नी मा पा धा गा मा पा रे गा मा सा रे गा, इनका अगर ज्यादा कर लोगे तो गले में वो एक वो झटके जो हैं वो बैठ जाएंगे गले में, फिर अगर स्मूथनेस लानी होगी तो वो नहीं आ पाएगी। तो हर रियाज जो है वो एक लिमिट में होना चाहिए और बैलेंस्ड वे में होना चाहिए।
हर चीज़ का रियाज, है ना, खर्च का भी है तो वो भी उतना ही बैलेंस में, तार का है तो वो भी उतनी बैलेंस में। बैलेंस का ही नाम संगीत है ना, वो पूरा बराबर लय में रहना चाहिए, ठीक है। तो बांट जो है बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, टेक्निक का रियाज आप कर सकते हो, लेकिन किस तरह करना है और उसको गायकी में कैसे उतारना है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही देखते रहें, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए, आप लोगों की मदद करता रहूँगा, आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस अनुसार। देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।